हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। ये एक साधारण नाम है, आमतौर पर सभी लोग सुना होगा। तो देखते हैं हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस किस कारण से होता है? हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो देखते हैं हेपेटाइटिस ए कैसे होता है। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन या जल द्वारा या किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण फैलती है। इस रोग के फैलने का कारण होता है लक्षण प्रकट होने से पहले और बीमारी के प्रथम सप्ताह में। अंडे तैयार होने के 15 से 45 दिन के दौरान ग्रस्त व्यक्ति के मल से हेपेटाइटिस ए वायरस फैलता है। रक्त एवं शरीर के अन्य द्रव भी संक्रमक हो सकते हैं। संक्रमण समाप्त होने के बाद शरीर में वायरस नहीं रहते हैं, ना वाहक ही रहते हैं। जो बीमारी को एक बार से दूसरे से फैलते हैं तो वह बीमारी नहीं पड़ती। हेपेटाइटिस ए के लक्षण फ्लू जैसे ही होते हैं, किंतु त्वचा और आंखें पीलिया हो जाती हैं, मतलब पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि जिगर रक्त से बिलूब्रीन को छान नहीं पाता। जिगर का मतलब स्टोमक से बिलूरूबिन को नहीं छान पाता। यह अन्य सामान्य हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, किंतु हेपेटाइटिस ई सबसे गंभीर बीमारी है। इन बीमारियों में सबसे मामूली अन्य दोनों बीमारियां लंबी बीमारियों में परिवर्तित हो सकती है, किंतु हेपेटाइटिस ए नहीं। इसके लक्षण पीलिया, थकावट, भूख न लगना आदि हैं। इस रोग के रोकथाम हैं अशुद्ध भोजन व पानी से दूर रहें, शौच आदि से भी दूर रहें, हाथों को अच्छी तरह धोएं तथा प्रभावित व्यक्ति के रक्त या फेसिस शरीर द्रवों के संपर्क में आने पर अच्छी तरह अपने आप को साफ करके वायरस को बढ़ने या फैलने से रोका जा सकता है। कपड़े बदलने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोने और भोजन परोसने से पहले, शौचालय जाने से पहले हाथ को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। हेपेटाइटिस ए से ग्रस्त लोगों को घनिष्ठ संपर्क में रहने वाले लोगों को इम्यूनोग्लोबिन देना चाहिए। हेपेटाइटिस ए संक्रमण को रोकने के लिए टीके उपलब्ध हैं। टीके की प्रथम खुराक लेने से 4 सप्ताह बाद टीका असर करना शुरू कर देता है। लंबे समय तक सुरक्षा 6 से 12 माह का बूस्टर आवश्यक होता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा।